नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1 बज चुका है और आज मेरे खाना बनाने की ड्यूटी हो गया ख़त्म, क्योंकि आज किचन में मोर्चा संभाल लिया है गुड्डू ने। आज वो लगी हुई है कि मम्मी मुझे बनाना, अभी मुझे पता नहीं क्या बनाना क्या नहीं। बेटे ये तो उतार देती यहाँ से, ये क्या काट दिया देखूँ। तो ये लग गई है, पहले तो रोना शुरू कर दिया इसने बनाने से पहले ही गुड्डू ने। क्या कर रही तू, यो क्या बना रही है? देखते हैं जो भी बनेगा। बस लग गई है। अरे यार तेरी हेल्प के लिए बैठी क्या यहाँ? मेरा इंग्लिश का पेपर है और उसका मैंने एक मतलब कर लिया। हाँ। बिल्कुल अच्छे से। हाँ। असल में अभी कई दिन है ना, 2 दिन तो हो गए छुट्टी को, 2 दिन हो रहे हैं। हाँ। दो बोर हो रही है, इसे लग रहा कि मैं कुछ कर लू, तो इस वजह से यार लग रही लग गई। अच्छा खाने का पता नहीं क्यों मन कर रहा। हाँ रोज नु कह मम्मी मेरा पेपर है, बस अच्छा सा बना लो, मैं बोर होगी, अच्छा सा बना लो, क्या देऊ इसे हलवा पूरी रोज बना के। मम्मा कहा चल तू अपने आप ही बना ले। तो यह लग रही है इसने मंगा लिया सामान। क्या मंगाया कि नहीं, क्या लेकर नहीं मिली? पनीर लेके सब्जी की दुकान पे भी नहीं मिली कोई? आजकल आई नहीं रही कहीं भी शिमला मिर्च सब्जी की दुकान पे भी नहीं, इतना रेडी वाले भैया हुए उन पर भी नहीं मिलती। ये बड़े नहीं काट रही तू सारी चीजें? नहीं इतने बड़े ही डलंग। चलो भाई देखते हैं क्या क्या कर रही है। अरे बस खा लेना जो बनाऊंगी। हम तो खा लेंगे, खुश हो गए, हम नहीं नाम डरते। अब एक तो बना बनाया मिल रहा है, इस तो बड़ी खुशी की बात क्या है, है नहीं रुई? दो का बना बनाया मिल रहा है, इसे भी लगा ले अपने साथ। रुई रुई तू भी कर ले। ईशु की तो तबीयत ढिल्ली हो रही, ईशु तो बेचारी थोड़ा सा रेस्ट पे है। देख बिलिया कभी हलवाई बना दे फिर उसका। तो देखते हैं जी क्या बना के दिखाऊंगी मैं आपको, अभी कर लेने दो इन्हें तैयारी अभी। तो यहाँ देखिए जी इसने तैयारी सारी कर ली है, ये टमाटर चॉप कर लिए, ये हरी मिर्च और ये प्याज चॉप कर लिए, और ये पनीर, और बस शिमला मिर्च मिली नहीं। और आज इसने देखे एक सबसे बड़ी बात क्या करी, आटा बना लिया। यह सभी बड़ी बात है कि आटा बना लिया, इसी ने कराया सारा, मैंने कुछ नहीं किया। और इधर अब ले रही है तैयारी, बस इसे थोड़ी सी मेरी हेल्प की जरूरत है। इसे कह रही मम्मी बस यह स्टफिंग इसकी तैयार करवा दो। हैं यही करूँ और भी कुछ? यही कर। अच्छा असल में क्या है कि नमक मिर्च इसे अभी पता नहीं ना कितना डालना, तो वो चल मैं बताऊंगी, तू अपने आप कर ठीक है। ये नहीं दही डाल पहले इसके अंदर, इसमें से थोड़ी थोड़ी सारी चीजें डाल दे, हल्दी मिर्च हाँ डाल दे, थोड़ी और डाल, थोड़ी थोड़ी ये तेज है बहुत। हाँ बस हल्दी नमक डाल दे, इतना और डाल, और डाल, इतना ही डाल दे, और जरा सा और डाल दे, बस और हल्दी डाल दे, बस बस। और ये धनिया पाउडर भी डाल दे। हाँ इतना डाल दे और थोड़ा सा और डाल दे, बस इन सारी चीजों को मिक्स कर ले। अब इसकी वो बना दे रबड़ी सी पूरी। हाँ अब ये मिक्स कर दे, बस इसके अंदर डाल के। तो ये बन गई जी इसकी स्टफिंग की तैयारी होगी, और अब लगाएगी बस तड़का। वो तो मैं खुद लगा ले। हाँ लगा ले वो तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैगी वगैरह। हाँ बस जैसे मैगी में लगाया तड़का ऐसे ही लगा दे बस। इसमें बस हल्का सा घी डाल के, ऑयल डाल के, मतलब जीरा डालना और कुछ नहीं डालना, तो जीरा डाल के ये सारी चीजें डाल दी ठीक है। हाँ देखिए जी सारी चीजें उसने मिक्स कर ली, वो पनीर में दही मिक्स करके थोड़ा सा नमक हल्दी मिर्च सब डाल दिया, और अब वो करने लगी फ्राई। बस उसको नमक मिर्च का रहता है कि मम्मी मुझे नहीं पता कितना डालना, तो वो मैंने उसको बता दिया। अब बस वो लगा रही है तड़का, आप चाहे तो इसमें तड़का लगा लो, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के उसको ऐसे भी आप मतलब फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने जीरा डलवा दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा चटक चुका है, और अब जो सब्जी इसने मतलब जो पनीर वो किया था मिक्स मसाला डाल के, वो सारा इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको करेगी फ्राई। तो यहाँ पे ये है रेसिपी जो बना रही है गुड्डू, अपने आप ही बना रही है। और बच्चों को अपने आप बनाते देख तो खैर माँ बाप के लिए तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता, भले ही चलो वो थोड़ी इधर उधर भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादातर बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ख़राब भी हो रही है उनसे, तो फिर भी हमें यही बोलना चाहिए कि नहीं अच्छी है।
और ये सच में आपको बताऊं बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ज्यादा अच्छी। मतलब जैसे एक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गुड्डू ने पहली बार ये वाली डिश बनाई। और हमारा तो आपको पता ही नॉर्मली क्या खाना होता है, दाल आलू वगैरह यही सारी चीजें खाते हैं। लेकिन अब बच्चे थोड़ा सा जैसा नेट वगैरह देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अलग चीजें बनाएं, तो यहाँ पे वो कोशिश कर रही है बनाने की। और देखिए बिल्कुल अलग तरीके से बनाया। मैं तो ज्यादातर पहले प्याज और टमाटर भूनती हूँ, लेकिन इसने पहले किया है ये पनीर फ्राई, और उसके बाद इसमें टमाटर जो चॉप किए थे, हरी मिर्च और प्याज ये डाल दिए। और अब इसको तेज आंच करके वो अच्छे से भून लेगी, जिससे कि ये जो पानी निकला है इसमें एक्स्ट्रा वो सारा मतलब भून जाए। देखिए सब्जी सी बन गई बिल्कुल, और टेस्ट भी इसका थोड़ा सा अलग आता है, मतलब टेस्टी लग रही थी। आप भी एक बार जरूर ट्राई करना जो ये गुड्डू ने डिश बनाई, बिल्कुल न्यू डिश है। और वैसा तो देखो सब्जी की तरह बनाई, सब्जी हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बन गई। और यहाँ पे देखिए उसने आटा बना ही लिया था जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो बनाने की बना रही है पराठे। पराठे उसने सेके बहुत अच्छे हैं वैसे, और बड़े बड़े मतलब पतले पतले बनाए, इक्वल थे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा सेप में थी कि सेप उसकी बिल्कुल गोल नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे मैं उसको बोल वो कह भी रही थी मम्मा ऐसे हो रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बनाएगी तो धीरे धीरे सेप भी आनी शुरू हो जाएगी। और बच्चे को देखा, आप सब भी बोलते थे कि गुड्डू से कुछ नहीं कराते ये वो, बच्चे का ना जब खुद इंटरेस्ट होता है तभी करने का जब वो अपने आप इंटरेस्ट लेगा किसी चीज में तब ज्यादा अच्छे से करेगा। अगर हम ऐसे ही जोर जबरदस्ती करते रहे तो जब वो इतना नहीं कर पाता। और अब गुड्डू को लगता है कुछ तो घर में रहती है, जैसा पढ़ाई भी पूरा दिन नहीं हो पाती उससे, मतलब बोर से हो जाता है, तो उसको लगता है चलो कुछ काम कर लूँ। और वैसे स्कूल जैसा जा रही थी तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था, पहले 3 बजे तो स्कूल से ही आती थी, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क वगैरह, तो इतना नहीं हो रहा था। अब ये है कि एग्जाम तो इसके चल रहे हैं, और एग्जाम में भी फिर भी थोड़ा सा ये भी नहीं कि सारा दिन पढ़े जाए, तो थोड़ा सा ये अपना मन भी इसका वो हो जाता है, थोड़ा सा खाने का रहता है, इसको खाने का शौक है, ऐसे अलग अलग चीजें और चटपटी कुछ चीजें ऐसे खाने का इसको बहुत शौक है। तो मैंने कहा मक्का बेटे बना ले, तो ये बना भी लेती है, क्या देती है मम्मी मुझे सामान ला दो मैं देख लूंगी बना के, मक्का चलो बना ले। धीरे धीरे जब बनाना सीखेगी, हम तो भाई यही दाल आलू बनाते रहेंगे, लेकिन बच्चे कुछ अलग सा बनाएंगे तो अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है, और ये खुशी भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसने पराठे बना लिए 5-6 जितने भी इसको बनाने थे। चलो अच्छे से रोल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जी इस गुड्डू ने सारी तैयारी कर ली और ये बना लिया पराठा ही बनाया ना, जैसा मैं से बना अच्छा बना, सर्कल वाला पूरा अच्छे से बनाना, कोई बात नहीं, वैसे सीख रहा बहुत अच्छा है, उसमें सेप ही तो थोड़ी सी वो है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो वो भी सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम कोई परफेक्ट नहीं होता। तो ये इसके अंदर इसने बस भर दी जो स्टफिंग बनाई थी। अब इसे फ्राई करना क्या? नहीं। अच्छा इसके ऊपर ये सॉस डाल लगी, इसे ये डेकोरेशन करने का है क्या? कुछ भी टेस्ट भी आएगा। हाँ टेस्ट भी आएगा, मतलब इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो ये बन गया जी इसकी डिश, एक और फोल्ड हो जाता है तो अच्छे से, मतलब छोटा हो जाता और भी पतला हो जाता एस। हाँ थोड़ा और टाइट, बस इसमें तो वो लगा दो, मैं आती नहीं फ्रूट से, फ्रूट की वो। तो ये बन गई जी इसकी जो डिश बनाना चाह रही है, यही बना रही थी ना, तो ये डिश बना दी इसने, तैयार कर दी। और बस ये है कि चाहे से रोटी को सब्जी के साथ वैसे खा लो बस, या फिर इसके अंदर भर के खा लो। तो ये इस तरह बन गया, जैसे स्प्रिंग रोल नहीं होते, ये पनीर रोल, वेज रोल, वेज रोल, वेज रोल बन गया यार। ये तो खुल रहा है, बस ये तो पकड़ कर खा लो बस, फटाफट ऐसा हो जाता है। इसे नीचे रखना बंद करे हुए, को फिर खुल जाएगा, नहीं यहाँ से निकल जाएगा ना, नहीं निकल लेगा, ऐसा उल्टा कर दे, यहाँ से सब्जियां नहीं, नहीं कुछ नहीं निकल लेगा, बस थोड़ी बहुत ही निकलेगी, बस ये खुलने का तो नहीं। अब तो गुड्डू अब तैयार करके दे देगी सबको ये, और मैं बना देती हूँ पराठे से, जैसा भी कोई खाएगा ऐसा दे दिया, ठीक है मैं बना।
तो जी आ जाइए आप भी। आज गुड्डू ने ये इतनी अच्छी डिश बनाई और अच्छी सी अलग सी है, मतलब मैं तो रोज आपको पता ही आलू दाल ही बना दूं, तो ये अलग सी बनाने की कोशिश करी इसने और अच्छी भी बन रही। बाकी टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट भी अच्छा ही होगा, जब मन से बना हुआ है तो टेस्ट तो अपने आप ही अच्छा आ जा। तो यहाँ ये तैयार कर देगी सबके लिए और मैं थोड़े से पराठे बना दूं और ये दे देगी। और यहाँ बस अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और रोल करने का वो ही है, या तो आप इसको रोल करके खा ले सब्जी के अंदर, लेकिन या फिर ऐसे ही टेस्ट, मतलब जैसे सब्जी के साथ पराठे खाते हैं ऐसे भी आप खा सकते हैं। बस इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि अलग खाने का वो हो गया, जैसा इसने बोल दिया कि ये पनीर रोल बन गए हमारे तो। और आपको बताऊँ सबने ही रोल करके खाए, किसी ने भी ऐसा नहीं खाए। मैंने बोला भी मुझे सब्जी अलग ले लो, चाहे इसके पापा को भी, इसके चाचू को भी, कन्हैया भी आ गया था, लेकिन सब ने रोल करके खाए, कह रहे थे कि इस तरीके से खा रहे ना उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। और रूही ने भी, ईसू ने भी, सब ने, और फिर मैंने भी बाद में खाई, वाकई बहुत टेस्टी थे। और सच में खुशी का तो खैर माँ बाप के लिए ठिकाना नहीं होता जब। और थोड़ा सा यह है कि देखिए बच्चे, बेटियाँ तो अपनी माँ के लिए सोचती हैं, और बेटियों का ही सुख होता है अपनी माँ को, मुझे तो यही पता, बाकी किसी का हो ना हो, लेकिन बेटियों का सुख बहुत होता है। थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो तभी अपनी माँ का सहारा बन जाती है, थोड़े थोड़े से काम छोटे छोटे से ही हाथ बटाना शुरू कर देती हैं, और फिर जैसे धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो ऐसे ही अपना काम में भी, मैं सारे में करना शुरू कर देती है। और बस इसी तरीके से देखिए यही जीवन है लेडीज़ का। और कब मैं को बड़ी हो जाती है इसी तरीके से, कब ट्रेंड हो जाती है पूरा पता भी नहीं चलता। हम ही अपने आप को देख लो कि कहीं हम सीखने नहीं गए, कहीं कुछ नहीं, लेकिन सारा काम कर लेते हैं। ये सब कुछ हमने घर में ही तो सीखा, और कहाँ से सीखा, यही है सबका, धीरे धीरे सब सीख जाती है। लेकिन मैं अपने आप, मैं अपनी सोच बताऊँ, मैं अपने बच्चों के ऊपर बर्डन डालना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि वे अच्छे से पढ़े, हाँ उनको अगर शौक है, उनको टाइम लगे तो वे मेरे साथ लगे, तो उनकी अगर हॉबी है, लेकिन मैं अपने आप से बर्डन नहीं देना चाहती। जैसा उनको अच्छा लगे काम में, अगर वो हेल्प कराना, छोटा मोटा जैसा मैं बता देती हूँ, ज़्यादा मैं बताती नहीं, लेकिन अगर मैं किसी काम को कर रही, मैं उनको रोकती भी नहीं कि नहीं मत करो, क्योंकि बच्चा इसी तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे देखिए बस ज़्यादा मेरे दिमाग में ये रहता है कि बच्चे का पढ़ाई का टाइम है, उसे पूरा टाइम मिले तो तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, क्योंकि लेडीज़ का तो यही होता है, सारी उम्र काम ही करना है। फिर जहाँ पढ़ाई सेट है, फिर तो काम में एक बार लग जाओ तो फिर तो पूरी उम्र करना ही है, तो वही होता है। और लड़कियों का होता ही है, अपने माँ बाप के पास ही रेस्ट मिल जाता है, बाकी कहीं भी नहीं हो, कहीं भी चले जाओ आप, किसी के यहाँ भी चले जाओ, ससुराल में, कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता जो अपने माँ बाप के पास मिल जाता है, मतलब जो कर सकती है। एक बार को अगर माँ बाप काम भी बता रहे तो उसको ना भी कर देती है, लेकिन आगे नहीं कर सकती बिल्कुल भी, किसी और के सामने नहीं कर सकती। तो खैर जी, आज की डिश हमारी ये बनी है और बहुत टेस्टी थी, और आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार आप भी ये ट्राई करना, बच्चों को ये अच्छी लगेगी, आप बना के ज़रूर देना। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।